दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको राहु ग्रह को कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का एक बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूं। मैं तीन टिप्स आपको दूंगा और तीनों टिप्स इतने इजीली हैं कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तीनों में से यदि किसी एक टिप्स को भी यदि आपने फॉलो कर लिया तो दोस्तों आप देखेंगे कि 18 से 28 दिन में आपकी पहाड़ जैसी भी परेशानी होगी ना तो उसमें आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। बिना खर्चे का ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा दोस्तों अगर कहा जाए तो जो प्लैनेट होते हैं शनि ग्रह माने गए हैं कि शनि ग्रह की दशा जिस पर चलती है तो कहा जाता है शनि की पनौती चल रही है, शनि की ऐसी दशा चल रही है तो परेशानी आ रही है। लेकिन शनि देव कहीं ना कहीं दया कर देते हैं, कर्मास के अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं, न्याय करते हैं। लेकिन राहु ग्रह यदि किसी को अगर परेशानी देने में आ गए तो वो ये नहीं देखते हैं कि आपके कितने कर्म हैं, कर्मा के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं। बस वो देने पाए तो फिर अनलिमिटेड बस परेशानी आती जाएंगी। और इनको यदि बैलेंस कर लिया और खुशियां अगर जिंदगी में आई तो अनएक्सपेक्टेड खुशियां ही आती जाएंगी। तो आपको सबसे पहले राहु ग्रह को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए शनि ग्रह के सेनापति हैं राहु, ठीक है। और कुछ ग्रहों को दोस्तों ऐसा होता है कि उनकी प्रिय धातु को यदि हम अपने पास में रख लें या उन चीजों का हम यूज करने लगे तो इससे क्या होता है, ये ग्रह जो होते हैं जो भी मतलब बर्थ चार्ट में अनबैलेंस होते हैं ये बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और इनका बैलेंस होना मतलब कि लाइफ का टोटल बैलेंस हो जाना। और कलयुग में तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि राहु ग्रह को जिसने प्रसन्न कर लिया रातों रात टॉप में पहुंच जाएगा। पता नहीं कौन सा ऐसा काम आपका करवा दे, कौन सा ऐसा काम आपका बना दे कि आपको रातों रात करोड़पति बना दे। लेकिन राहु ग्रह का काम सिर्फ देना नहीं होता है, छीनना भी होता है। तो वो क्या करते हैं, एक टॉप वाले इंसान को बॉटम में पहुंचाने में एक रात एक दिन नहीं लगेगा, इतने पावरफुल ग्रह है राहु। तो राहु के ग्रह की मैं दो से तीन रेमेडीज आपको बताता हूं, ठीक है। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो आपके राहु ग्रह आपको, मैं बता रहा हूं दोस्तों कि अगर ये रेमेडी कर लेंगे तो अनएक्सपेक्टेड पैसा आपकी लाइफ में आएगा, गारंटी लेता हूं इस बात की, इतने पावरफुल रेमेडीज हैं। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी जानकारी प्रसारित करूंगा जो आपके काम की होगी तो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, वो जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और यदि दोस्तों आप लोग मुझे कॉल में किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, यदि आप लोग अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, यूट्यूब की सारी रेमेडीज जनरल होती है। यदि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में वास्तु अनबैलेंस है या किसी प्रकार की बंदिश है, तंत्र मंत्र किया कराया ऐसी कोई क्रिया है तो भी आप कोई रेमेडीज करेंगे आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं या अपने घर का कुछ तंत्र मंत्र किया कराया ऐसी कोई कंडीशन है वो चेक कराना चाहते हैं, और या फिर अपने घर को किसी भी प्रकार की बंदिश से प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, आपका वास्तु बैलेंस किया जाएगा, कुछ खास मंत्रास हैं, टेक्निक है जिसके द्वारा आपके घर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और यदि आपके घर में ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही, स्टडी में दिक्कत आ रही, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का या कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आपको 100% आपकी हर एक समस्या का सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा या इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की रेमेडीज प्राप्त करना चाहते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम पर, माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी हर एक चीज का, हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए राहु की जो सबसे प्रिय धातु है वो है, अगर कहा मैं पहले को एक, अगर आप ये कर सकते हैं अष्ट धातु जो है, ठीक है,
अष्ट धातु या पंच धातु, इसका आप क्या करें कि अंगूठी या कोई भी कुछ कुछ भी ऐसा कुछ चीज बनवा लें, अगर ये कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इनकी क्वांटिटी सेम होगी, अष्ट धातु में जो जो जैसे सोना चांदी तांबा पीतल जो भी होगा, इनकी सेम सेम क्वांटिटी में कोई भी अंगूठी वगैरह रिंग वगैरह बनवा के पहन सकते हैं या जेब में पहन सकते हैं या कोई एक गोलाकार स्टोन जैसा बना लें अष्ट धातु का। अगर ये आप परमानेंट अपने पास रखते हैं तो राहु केतु शनि तीनों ग्रह आपके बैलेंस रहते हैं। ये हो गया पहला। अब दूसरा कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, ये सबसे ज्यादा सटीक उपाय है, आपके घर की जो सबसे नैगृत्य दिशा है, ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम की जो नैगृत्य दिशा है ये राहु की दिशा मानी गई है। तो आप अगर ये कर सकें कि दक्षिण दिशा में, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम इसके बीच का जो कॉर्नर है, तो आप कॉर्नर के जस्ट बाजू में, यानी कि जो कॉर्नर बनेगा दक्षिण और पश्चिम का, तो इस कॉर्नर के जस्ट बाजू में जो दक्षिण दिशा है ये पश्चिम दिशा है, अपनी कमर के ऊपर से, नाभि के ऊपर से अगर आप एक यहाँ पर आईना लगा देते हैं, दोनों दिशा में लगा देंगे तो बेस्ट है, ये तो किसी एक दिशा में लगा दें या बीच में कॉर्नर में लगा दें, एक आईना अगर आप लगा देते हैं दोस्तों, आप देखेंगे 18 से 28 दिन में परिवर्तन अपने आप आपको नजर आने लगेगा। राहु ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह तीनों आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। पहाड़ जैसी परेशानी चल रही है लाइफ में, उसको भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। कर्ज बहुत ज्यादा है, दुश्मन ज्यादा है, बीमारी है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, अनएक्सपेक्टेड खर्च हो रहा है, ये सारे ऑप्टिकल्स आपके दूर हो जाएंगे। अब दूसरा जो है कि आप एक छोटा सा आईना, ठीक है, 18 दिन तक अपने पास में छोटा सा आईना परमानेंट अपने जेब में रखें और समय समय पर कभी भी जैसे यहां आ गए तो थोड़ा सा उसमें अपना चेहरा देख लें, ठीक है, मतलब कि अपने आईना अपने जेब में रखा है और अपने एक दो घंटे बाद दो दिन भर में उसमें चेहरा देखते रहें। जितना ज्यादा आप चेहरा देखते रहेंगे उतने आपके राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और जब आपको लगे कि कोई आप इस कार्य को किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है तो विचार मन में रखें मेरी परेशानी दूर हो जाए, पैसा आने लगे, ठीक है, तो और आईना देखते रहें। और जब आपकी परेशानी दूर हो जाए, ठीक है, तो उसी समय उसी दिन उस आईने को उठा करके कहीं पीपल वृक्ष में डाल दें, बरगद में डाल दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और फिर नया आईना आप धारण कर लें, जेब में रख लें, परमानेंट इसको करते रहेंगे दोस्तों, कभी भी राहु आपको परेशान नहीं करेंगे बल्कि राहु की शुभ दृष्टि आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों जो बड़े बड़े स्टोन नहीं कर पाएंगे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, 18-18 हजार की संख्या में इनका जाप किया जाता है, बड़े बड़े इनके दान किए जाते हैं, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये छोटी सी रेमेडी आपको दे सकती है। बस आईना अपने घर की नैगृत्य दिशा में लगा दीजिए, ठीक है, दूसरा अपने परमानेंट जेब में रखिए और जब भी आपको लगे कि हाँ इस परेशानी का अंत हो गया, कोई भी परेशानी को लेकर के एक छोटा सा आईना जेब में रखिए और दिन भर उसको देखते रहिए और जब वो परेशानी आपका एंड हो जाए तो उस आईने को अलग करके दूसरा धारण कर लीजिए दूसरी परेशानी के लिए। पैसे से संबंधित परेशानी है तो मनी रिलेटेड चैलेंजेस दूर हो ये सोच करके और अपना आईना धारण कर लीजिए, जब ऐसा लगे कि हाँ पैसा अच्छा आने लगा है तो उसके बाद में उसको दूसरा अलग करके दूसरा धारण कर लीजिए। और दोस्तों एक चीज हम इसे याद रखें कि पैसा जब आने लगे किसी भी रेमेडीज को करने के बाद में, जब पैसा पास में आने लगे तो थोड़ा सा 5% 10% दान में जरूर निकालें, गरीबों में, बच्चों में या फिर धर्म का काम में, भंडारे में, कहीं भी खर्च जरूर करें, ठीक है। पैसा अगर कहीं से आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, तो उसको दान में जरूर निकालें, इससे क्या होता है और भी बरकत बढ़ती है। तो ये प्रयोग दोस्तों कब करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आईना जो होता है राहु केतु ग्रह का सबसे ज्यादा प्रिय धातु मानी गई है और जैसे कि मैंने अष्ट धातु को बताया, अष्ट धातु सेम क्वांटिटी में लेकर के जितना भी कर सकते हैं आप 25-25 ग्राम का सब चीज वो कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो 10-10 ग्राम का कर लीजिए अष्ट धातु की, कोई भी एक चीज रिंग वगैरह बनवा लीजिए जेब में, पर्स में या जहां भी आप रख सकते हैं अपने पास में ये चीज रखना शुरू करिए। आप देखेंगे कि राहु केतु की, शनि की कोई भी दशा आपको परेशान नहीं करेगी, हमेशा आपके लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे, मतलब जो भी काम सोच रहे हैं ना वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, जो भी परेशानी चल रही थी सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। छोटे छोटे से प्रयोग हैं, सुनने में सामान्य लगते हैं लेकिन जब तक उसका हम उपयोग नहीं करेंगे, इन बातों पर अमल करके अपनी लाइफ में इनको शामिल नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा कि आपने वीडियो देख लिया, जानकारी ले ली, इसको करना भी पड़ेगा, कर्मास जरूरी है, जब कर्म करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो छोटा सा मैंने प्रयोग बताया, करके देखिए आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा इसमें। ऐसी कोई बात है जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए, घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं,
मेरी दी जानकारी से आप इस रेमेडी को करेंगे, बिना कुछ किए मुझे इसका लाभ मिलेगा। आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी इस रेमेडी जानकारी से रेमेडी को करेंगे, कहीं ना कहीं बिना कुछ किए इसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम है, पुण्य का काम है, अच्छी चीजें आगे फॉरवर्ड करेंगे तो अच्छी चीजें वापस आपको रिटर्न में मिलेंगी। तो जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदार में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका मन करे तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है शेयर करना चाहिए, किसी को जानकारी की नीड है तो शेयर कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा विधि अनुष्ठान, शत्रु बाधा से मुक्ति चाहते हैं, वशीकरण करवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।